Hello friend, again welcome my channel, and today's topic is plant growth regulator. Basically we discuss about the what is the synthetic growth regulators. Okay, synthetic growth regulators का हम use as a herbicides में करते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी plant hormones को एक्सेस मात्रा में यूज़ करेंगे, एक्सेस अमाउंट में यूज़ करेंगे, तो वो वर्क करेगा एज अ हर्बिसाइड. बिकॉज क्योंकि जो हार्मोन्स का बेसिकली वर्क रहता है सेल डेवलपमेंट करना, सेल इलॉन्गेशन, सेल डिवीज़न. अगर हम एक्सेस अमाउंट में, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट्स में यूज़ करते हैं, तो वो सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है. बट उसको हम जब एक्सेस अमाउंट में यूज़ करेंगे, तो वो सेल डिवीज़न इतना ज़्यादा हो जाएगा कि एक टाइम आएगा कि सेल ब्रस्ट अप हो जाएगा, पूरा रप्चर हो जाएगा. और वही प्रिंसिपल हम जब एज अ हर्बिसाइड यूज़ कर रहे हैं तब अपनाते हैं, क्योंकि हम जो वीड्स रहते हैं उसमें इस मात्रा में, इतने अमाउंट में यूज़ करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का, कि क्या बोलना चाहिए, इतना सेल डिवीज़न होता है कि एक टाइम आता है कि वो जो प्लांट टिश्यूज़ रहते हैं वो ब्रस्ट अप हो जाते हैं, और जिससे कि क्या, जो प्लांट रहता है लास्टली सेंसेंस होकर डेथ हो जाता है. ठीक, तो प्लांट, इसलिए हर्बिसाइड हम एज जो हार्मोन्स को यूज़ कर रहे हैं वो हर्बिसाइड या वीडिसाइड नहीं है, वो हार्मोन्स ही रहेंगे, बट उनको हम एक्सेस अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो उसको हम लोग कोई केमिकल हर्बिसाइड अलग से नहीं बोलते, वो एज अ हार्मोन ही है, उनका कोई हम चेंज नहीं किए हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक, बट उनको हम एक्सेस अमाउंट में अप्लाई कर रहे हैं. जो अगर हमको नॉर्मल ग्रोथ चाहिए तो हम बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में यूज़ करते हैं उसी की जगह पे. तो इससे प्रीवियस मैंने और भी वीडियोस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पे बनाए हैं, तो आई थिंक डेफिनेशन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स क्या होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एक्चुअली में क्या होते हैं, एक स्मॉल सिंपल केमिकल्स रहते हैं जो नेचुरली प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं, समटाइम आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमंस के द्वारा लैब कंडीशंस में, जो उसको हम सिंथेटिक ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलते हैं. प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स क्या होते हैं, दे प्रमोट सेल डिवीज़न एंड सेल एनलार्जमेंट एंड फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन. मतलब वो सभी एक्टिविटी को प्रमोट करेगा, सेल डिवीज़न को, सेल इनलार्ज करने को, फ्लावरिंग को, फ्रूटिंग को, फ्रूट सेट को और सीड फॉर्मेशन को. लाइक जिसमें क्या क्या एग्जाम्पल है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइन. बट जो ग्रोथ इनहिबिटर जो रहते हैं वो क्या करेंगे, इसी प्रोसेस को इनहिबिट करेंगे, और वो प्रमोट क्या करेंगे, एब्सिशन को और डॉर्मेंसी को प्रमोट करेंगे. ठीक है, जिससे कि जो जब सेल लीव जो रहते हैं पतझड़ के टाइम में अपने लीव सेट कर देते हैं पूरे के पूरे. तो ये एग्जांपल इसके क्या होंगे, ए बी ए, और इसी में एग्जांपल इथिलीन भी आएगा, क्योंकि वो एज अ राइपनिंग हार्मोन के रूप में यूज़ करते हैं. और वही एक जो होता है एक्वेसियस हार्मोन होता है, जो कि सॉरी एक्वेसियस नहीं, गैसियस हार्मोन होता है, जो कि एज अ गैस फॉर्म में पाया जाता है, गैसियस फॉर्म में रहता है. क्लासिफिकेशन वही है, नेचुरल हार्मोन रहते हैं जो नेचुरली प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली ऑक्सिन का जो नेचुरल हार्मोन है वो फर्स्ट नेचुरल हार्मोन ऑफ ऑक्सिन इज IAA, एग्जाम में पूछा जाता है, विच इज़ द नेचुरल हार्मोन ऑफ ऑक्सिन, द नेचुरल हार्मोन ऑफ ऑक्सिन इज IAA, दैट इज़ द इंडोल 3 एसिटिक एसिड. सिंथेटिक हार्मोन जो रहते हैं ये प्रोड्यूस आर्टिफिशियली एंड सिमिलर टू नेचुरल हार्मोन, इट मतलब इसको वी प्रोड्यूस आर्टिफिशियली एंड इट एक्ट एज अ सिमिलर टू द नेचुरल हार्मोन, दैट्स वाई इट नोन एज अ समटाइम इज नोन एज द एक्सोजीनियस प्लांट हार्मोन भी बोलते हैं इसको. और इसमें क्या बोलना चाहिए, 2,4-D एंड NAA. 2,4-D मीन्स वही 2,4-dichlorophenoxy एसिटिक फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जिसका केमिकल फार्मूला है C8H6Cl2O3. ठीक है, मतलब कार्बन 8, हाइड्रोजन 6, क्लोरीन 2 और O3 रहेगा. NAA जो रहता है उसका फुल फॉर्म है नेप्थिलीन एसिटिक एसिड. और कुछ होते हैं पोस्टुलेटेड हार्मोन, पोस्टुलेटेड मीन्स जैसे कि ये जो है प्रोड्यूस होते हैं स्पॉन्टेज, एकदम सडनली होता है द प्लांट बॉडी, बट देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अभी तक डिस्कवरी इसकी कोई भी स्ट्रक्चर और फंक्शन को लेकर क्लियर नहीं है. बस एक हाइपोथेटिकली ये चल रहा है कि हाँ ये प्रोड्यूस होते हैं प्लांट पार्ट में और इसका कुछ अफेक्ट होता है, जैसे कि फ्लावरिंग में फ्लोरिजन का एक कॉन्सेप्ट चलता है कि वैसा कुछ सब्सटेंट है जो फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहा है. ठीक है, ये चीज़ आफ्टर फ्लोरिन जो है, फ्लोरिजन का कॉन्सेप्ट जिब्रेलिन के जो डिस्कवरी के बाद आया था. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब पहला जो हमारा बेसिक टॉपिक था, मेन हमारा पॉइंट है कि सिंथेटिक ग्रोथ रेगुलेटर. ठीक है, तो 2,4-D जो रहता है इसको हम लोग फुल फॉर्म अगर बोलेंगे तो 2,4-dichlorophenoxy एसिटिक एसिड. ये जो रहता है इसका केमिकल फॉर्मूला मैंने भी बताया, 6C8H6Cl2O3. ओके, यू कैन सी द डायग्राम, 2,4 मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द 2,4-D, दैट इज वन जो एरोमेटिक एक रिंग है उसमें वन पोजिशन पे ओ है, सेकेंड पोजिशन पे क्लोरीन है, थर्ड में नथिंग, फोर्थ पे अगेन क्लोरीन, फिफ्थ में नथिंग, सिक्स में
थिंग. बट ओ जो है अगेन डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच से जॉइंट हो गया. ठीक, तो ये इसका स्ट्रक्चर है. और इसका जो है कॉमनली ये जो 240 होता है ये प्राइमरली यूज एज अ सेलेक्टिव हर्बिसाइड विच यूज मैनी हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर एंड एक्वेटिक बोर्ड लीफ वीट में. ठीक है, प्राइमरली क्या है, ये एक सेलेक्टिव हर्बिसाइड है जो कि सेलेक्टिव वीट को ही, मतलब जो ब्रॉड लीफ वीट रहते हैं उन्हीं पे अपना इफेक्ट दिखाता है, बाकी जो नैरो लीफ्स रहते हैं उनको कोई इफेक्ट नहीं दिखाता. तो इट इज़ अ सेलेक्टिव हर्बिसाइड विच यूज इन मैनी हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर एंड एक्वेटिक बोर्ड लीफ वीट एंड इट इज़ अ मोस्ट वाइडली यूज, ठीक है, इन द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है. आई थिंक इट इज़ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंथेटिक ऑक्सिन. सिंथेटिक ये जो है ये ऑक्सिन का ही एक सिंथेटिक फॉर्म है और थर्ड मोस्ट वाइडली यूज होने वाला ऑक्सिन है. ठीक है, लेबोरेटरीज में फॉर रिसर्च पर्पज के लिए भी और हम लोग प्लांट सेल कल्चर में भी इसको MS जो मीडिया बनाते हैं, मतलब ग्रोइंग मीडिया जब हम लोग कोई कैलस टिश्यू कल्चर करते हैं तो भी इसको उस टाइम यूज़ किया जाता है. और ये जो बेसिकली कंट्रोल करते हैं ब्रॉड लीफ जो वीट रहते हैं, ठीक है, जैसे कि जब हम लोग हाँ ब्रॉडलीफ को करते हैं, जब चना की खेती करते हैं तो मान लो वहाँ पे कोई ब्रॉडलीफ आता है तो वहाँ पे इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है. तो इट इज़ द स्ट्रक्चर एंड अबाउट सम टॉप पॉइंट्स जो रिलेटेड है 240 से. एंड नेक्स्ट इसकी हिस्ट्री अगर आप जानना चाहें तो 240 वॉज डेवलप ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, बाय द ब्रिटिश टीम एट द रॉथमेस्टेड एक्सपेरिमेंटल स्टेशन, जो कि कहाँ पर था, इंग्लैंड में था. तो वहाँ पर क्या बोलना चाहिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम यहाँ पे लीडरशिप जो थे वो जुडा हिराश क्वास्टेल जो थे उन्होंने एम किया इंक्रीज की. बहुत वॉर हो गया, लड़ाई हो गई, तो क्या हो गया, तो फूड ग्रेन की कमी आ गई थी, मतलब बोलना चाहिए कि जो भी यील्ड था वो कम हो रहा था, इसलिए उन्होंने उस टाइम सोचा कि इंक्रीज क्रॉप के यील्ड को इंक्रीज, मतलब इंक्रीज करना है किसी तरह से. तो उन्होंने क्या किया, इट वाज अ कमर्शियली, जब उस टाइम फिर इन्होंने कमर्शियली इसको रिलीज्ड किया 1946 में, किसको, 240 को. एंड इट बिकम द फर्स्ट सक्सेसफुल सेलेक्टिव हर्बिसाइड, क्योंकि क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा वीट का अटैक आई थिंक हुआ होगा तो क्रॉप का यील्ड ढंग से नहीं आ पा रहा था. तो उस टाइम उन्होंने एम किया कि हम कैसे क्रॉप को यील्ड को इंक्रीज करें, तो दैट टाइम इन्होंने इसको रिलीज़ किया 1946 में. एंड उसके बाद फर्स्ट सक्सेसफुली सेलेक्टिव हर्बिसाइड था ये जो रिलीज हुआ था एंड अलाउ फॉर ग्रेटली इन्हेंस द वीट कंट्रोल इन वीट मेज राइस सिमिलर सीरियल ग्रास क्रॉप, जितने भी ग्रास क्रॉप हैं उसमें ये मतलब यूज़ किया गया, जैसे कि जो भी वीट हैं और मेज हैं, राइस हैं, सिमिलर सीरियल जो ग्रास क्रॉप हैं उसमें. बिकॉज इट इज़ ओनली, जब हम लोग क्या मिक्स क्रॉपिंग करते हैं ना वीट एंड राइस चने का, तो फिर ये केवल वीट के जो ब्रॉड लीफ रहते हैं ना, वीट जो गेहूँ के ब्रॉड लीफ वीट रहते हैं, खरपतवार रहते हैं, उसी को मतलब इफेक्ट करता है, चने के पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता. ठीक है, तो इट इज़ ओनली किल डाइकॉट लीफ लिविंग बिहाइंड मोनोकॉट्स. मोनोकॉट्स को बिल्कुल डैमेज नहीं करता, ये केवल क्या करता है, डाइकॉट्स जितने भी रहते हैं उन्हीं को ये डैमेज करता है. मीन्स अगर हम राइस का कर रहे हैं, राइस इज अ मोनोकॉट्स, वहाँ पे अगर कोई डाइकॉट्स का अटैक हो रहा है तो वो उसको कंट्रोल करेगा. तो ये इसकी हिस्ट्री है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में इसको फर्स्ट रिलीज किया गया. और मैकेनिज्म जो थे मैकेनिज्म जो है इसका, कैसे ये एज अ हर्बिसाइड, एक्चुअली में दिस इज द हार्मोन, बट हाउ इज वर्क लाइक, हाउ इट इज़ वर्क लाइक अ हर्बिसाइड. तो यहाँ पे इसका जो मैकेनिज्म है वो ये है कि 240 जो रहता है इज अ सिंथेटिक ऑक्सिन, देख चुके हैं हम प्रीवियस जो स्लाइड्स में, विच इज़ अ क्लास ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. ये क्या है, एक ग्रोथ रेगुलेटर्स का क्लास है. इट इज़ अ ऑब्जर्व थ्रू द लीव्स, हम जब इसको अप्लाई करते हैं लीफ में तो ये ऑब्जर्व होता है थ्रू द लीव्स एंड ट्रांसलोकेटेड टू द मेरिस्टेम ऑफ द प्लांट. तो मेरिस्टेम रहते हैं प्लांट्स में, उसमें ये ट्रांसलोकेटेड हो जाता है. फिर वहाँ पे क्या होता है, अनकंट्रोल और अनसुटेबल, क्योंकि हम इसको इस अमाउंट में अप्लाई कर रहे हैं एज अ हार्मोन भी. अगर हम इसको 240 को जब हम किसी मीडिया में अप्लाई करते हैं, जब हम कैलस कल्चर टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, तो बहुत माइनट क्वांटिटी देते हैं, तो वो एक लिमिटेड लेवल तक सेल डेवलपमेंट, सेल ग्रोथ या फिर सेल डिवीजन कर रहे हैं. बट इस दिस टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब लीफ में अप्लाई कर रहे हैं तो हम उसकी इतनी ज़्यादा मतलब क्वांटिटी दे रहे हैं कि वो ट्रांसलोकेटेड हो रहा है मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज हैं वो प्लांट के, और वहाँ पे अनकंट्रोल ग्रोथ, अनसस्टेनेबल ग्रोथ हो रहा है, मतलब एकदम से कंटिन्यूस ग्रोथ हो रहा है. इससे क्या हो रहा है कि स्टेम जो का कर्ल हो जाएगा, लीफ भी विदरिंग होने लगेगा और इवेंचुअल प्लांट का डेथ हो जाएगा. क्योंकि एक टाइम आएगा जब बहुत ज़्यादा हम कुछ खा लेंगे तो हम बीमार पड़ेंगे, ऑब्वियसली बात है. सेम थिंग इसमें भी वही प्रिंसिपल है कि बहुत ज़्यादा हम उसको हार्मोन्स अप्लाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो एक टाइम आएगा कि पूरे प्लांट स्ट्रक्चर हो जाएंगे और लीफ विदरिंग होगी, स्टेम जो होगा कर्ल हो जाएगा, प्लांट जो होगा इवेंचुअली डेथ हो जाएगा.
और टिपिकली जो ये 240 है अप्लाइड एज एन एमिन एमाइन सॉल्ट के रूप में इसको बेसिकली अप्लाइड किया जाता है, बट मोर पोटेंट एस्टर वर्जन एग्जिस्ट एज वेल। इसको बेसिकली जो हम लोग टिपिकली एमाइन मतलब एमाइन के रूप में टिपिकली यूज़ करते हैं, बट मोस्टली जो पोटेंट होता है वो एस्टर वर्जन जो रहता है इसका ज़्यादा एग्जिस्ट में आया है। इसका बेसिकली यूज़ जो है वो है कि 240 जो रहता है सोल्ड इन वेरियस फॉर्मुलेशन अंडर अ वाइड वैरायटी ऑफ ब्रांड नेम। इसको डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मुलेशन, लिक्विड फॉर्मुलेशन, पाउडर फॉर्मुलेशन, डिफरेंट टाइप के फॉर्मुलेशन में मार्केट में अवेलेबल रहते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड नेम्स। ओके, तो 240 कैन बी फाउंड इन अ लॉन हर्बिसाइड मिक्सचर सच एज द वीड, जो लॉन हर्बिसाइड मिक्सचर रहते हैं उसमें भी पाया जाता है 240, जैसे उसका नाम है वीड बी गॉन मैक्स। ठीक है, वीड बी गॉन मैक्स कुछ है PAR थर्ड और ट्रिलियन। ठीक है, तो आप नेम एग्जाम में अगर पूछे तो याद कर सकते हो वीड बी गॉर्मैक्स PAR थर्ड एंड ट्रिलियन। इसके अलावा कुछ ट्राइकिल किलेक्स एंड विडावे प्रीमियम थ्री वे, विडावे प्रीमियम थ्री वे XP। ठीक है, वो और टर्फ हर्बिसाइड के नाम से भी आता है बेसिकली। ठीक, ऑल ऑफ दिस मिक्सचर टिपिकली कंटेन देयर ऑल, जो मिक्सचर्स रहते हैं ये जो हर्बिसाइड के वो टिपिकली कंटेन थ्री एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। तीन एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है, पहला तो 240, सेकेंड रहता है मैकोप्रोप रहता है और थर्ड रहता है डाइकैम्बा। पहला जो रहेगा, तीन मिक्सचर रहेगा, पहला रहेगा 240, दूसरा रहेगा मैकोप्रोप एंड तीसरा रहेगा डाइकैम्बा। और ओवर जो 15,000 हर्बिसाइड प्रोडक्ट्स हैं कंटेन 240 एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट। बहुत सारे हर्बिसाइड्स जो हैं उसमें से 1500 में कम से कम 240 एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट वर्क करता है। बाकी कुछ मैकोप्रॉप रहते हैं, डाइकम्बा रहता है। और 240 इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर वीट कंट्रोल इन लॉन्स एंड अदर टर्फ, जो लॉन्स में बेसिकली यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा कंट्रोल ऑफ वीड एंड ब्रश अलॉन्ग फेंस एंड हाईवे एंड जो रेल रोड रहते हैं उस टाइम उसमें यूज़ किया जाता है। कॉन्फेर रिलीज कंट्रोल ऑफ ब्रॉड लीफ ट्री इन कॉन्फेर प्लांटिंग में, जब ब्रॉड लीफ्स आ जाते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ग्रास हेफील्ड्स एंड पास्चर्स में, सीरियल ग्रेन्स में और कॉर्न एंड सॉर्गम जो है उसमें बेसिकली यूज़ किया जाता है, क्योंकि सीरियल्स हैं ये भी ओकेजनली कॉर्न एंड सॉर्गम यूज़ किया जाता है, बेसिकली सीरियल ग्रेन्स में यूज़ किया जाता है। और एज अ सिंथेटिक ऑक्सिन अलॉन्ग, ठीक है, सिंथेटिक ऑक्सीजन के रूप में यूज़ किया जाता है। इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो है कि जिसका लिथल डोज रहता है 50, लिथल डोज 50 डिटरमाइन इज एन एक्यूट टॉक्सिसिटी रेट स्टडी, जिसका है 639 mg पर kg। जो इसकी लिथल टॉक्सिसिटी रहती है वो 639 mg पर kg में रहता है। और इसका जो सिंगल ORL डोज रहता है 5 and 30 mg पर kg बॉडी वेट डिड नॉट कॉज एनी अक्यूट टॉक्सिक इफेक्ट इन ह्यूमन। तो ये वाला जो वेट है वो ह्यूमन्स को 5 and 30 mg पर kg बॉडी वेट ये कोई टॉक्सिक इफेक्ट कॉज नहीं करता, बट जो लीथल 50 है टॉक्सिसिटी रेट होती है 639 mg पर kg। एम जो दिस एमाइन सॉल्ट फॉर्मुलेशन कैन कॉज इरिवर्सिबल आई डैमेज, जब ये जो एमाइन सॉल्ट बेसिकली इसको एमाइन सॉल्ट के फॉर्मुलेशन के रूप में जब यूज़ करते हैं तो ये आई डैमेज मतलब ब्लाइंडनेस कभी कभी कॉज करता है। और इस्टर फॉर्मुलेशन आर कंसिडर्ड नॉन इरिटेटिंग टू द आईज, लेकिन जो इस्टर फॉर्मुलेशन रहता है वो आईज को इतना कुछ डैमेज नहीं करता, बट जब एमाइन सॉल्ट के रूप में यूज़ करते हैं तो ये कुछ ब्लाइंडनेस लाइक द इरिवर्सिबल आई डैमेज कॉज करता है। और इसके अलावा कुछ कैंसर रिस्क भी रहते हैं इफ़ यू वांट टू नोट डाउन, जैसे कि 1 August 8, 2007 द यूनाइटेड स्टेट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इशूड अ रूलिंग विच स्टेटेड एग्जिस्टिंग डाटा डज नॉट सपोर्ट अ कंक्लूजन दैट लिंक्स ह्यूमन कैंसर टू 4D एक्सपोजर। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज फॉर रिसर्च ऑन द कैंसर जो है हैज क्लासिफाइड 240 अमाउंट द फिनॉक्सिक एक्सिटिक फिनॉक्सी एसिड हर्बिसाइड, जैसे कि MCPA एंड 245T एक क्लास है जो कि कैरसिनोजेन बोलते हैं जिसको कि पॉसिबल कैरसिनोजेनिक टू ह्यूमंस। ठीक है, इंडो कैंसर ये जो है ये क्लासेस हैं जो 240 की फिनॉक्सी एसिड की वो कैंसर